नमस्कार, आप इसी सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के जिले यमुनानगर के सीआईयू 1 की टीम की और आप सभी को जानकारी दे दें कि शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती नजर आ रही थी। आप सभी को जानकारी दे दें कि दो फ्रेंड्स जो हैं मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बातचीत की जाए तो यमुनानगर के रादौर के निवासी जो हैं ये व्यक्ति दोनों ही चोरी की बाइकों को खरीदने व बेचने का काम किया करते थे। आप सभी को जानकारी दे दें कि चोरी की बाइकें खरीदने और बेचने वाले का काम किया करते थे। इन्होंने लगभग 5 बाइकें जो हैं यमुना नगर और जगाधरी के विभिन्न इलाकों से चोरी करने का काम किया गया है। आप सभी को जानकारी दे दें कि सीआईए 1 की टीम ने पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के नेतृत्व में एक बड़ी कामयाबी जो है हासिल की है। किस तरीके से सिटी जगाधरी जो है 5 बाइकें चोरी करने का काम किया करती, 4 बाइकें जो है आगे अपने दोस्त को बेचने का काम किया था और एक बाइक अपने पास रखी थी जिस बाइक से वो और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का काम किया करता था। अब इनको यमुनानगर के सिविल अस्पताल में लेकर जाया जाएगा और सिविल अस्पताल में लेकर जाने के बाद इनको जो है आप सभी को जानकारी दे दें कि यमुनानगर के सिविल अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा और मेडिकल पे ले जाने के बाद जो है आप सभी को जानकारी दे दें कि इनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से इनको गिरफ्तार कर आगे की प्रणाली के लिए लेकर जाया जाएगा। सीआईए 1 की टीम की बात की जाए तो सीआईए 1 टीम को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से दोनों व्यक्ति आप लोग देख सकते हैं, एक तो चोरी की बाइक को बेचने का काम किया करता था और दूसरा चोरी की बाइक को खरीदने का काम किया करता था। दोनों दोस्तों को सीआईए 1 की टीम ने गिरफ्तार करने का काम किया। ये 5 बाइकें आप लोग पीछे देख सकते हैं जिसमें की एक बड़ी कामयाबी सीआईए 1 की टीम के हाथ लगती हुई नजर आई है। और आप सभी को बता दें कि किस तरीके से अब इन व्यक्तियों को लेकर जाया जाए और मेडिकल के लिए लेकर जाने का काम किया जाएगा। मेरे सभी से अपील है, जो भी वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहेगा। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के नेतृत्व में इस पूरी तरह की वारदात को अंजाम देने वाले इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर काम किया जाएगा। मेरे सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिएगा। और अब आप सभी को जानकारी दे दें कि ये वही बाइकें हैं जिनके कोई नंबर प्लेट्स नहीं है और नंबर प्लेट्स के साथ साथ अब इनको जो है आगे की प्रक्रिया के लिए लेकर जाएगा। आगे की प्रक्रिया के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केवल सिंह हैं, इंस्पेक्टर हैं सीआईए 1 के। क्या कुछ उनका कहना है इस पूरी वारदात को लेकर, आइए बातचीत करते हैं। अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हमारी जो सीआईए 1 की टीम है उसने कल दिनांक 24/8/23 को औरंगाबाद पुल के पास से एक लड़के को गिरफ्तार किया है जिसका नाम गोरो उर्फ लहरी है और ये वाहन चोरियों में संलिप्त रहा है। पहले भी नाकाबंदी की हुई थी हमने, तो उसी दौरान ये एक मोटरसाइकिल लेकर जब ये आ रहा था, इससे कागजात उसके पूछे गए तो ये कोई कागजात उसका पेश नहीं कर रहे उसका, और उसी कारण जब इसे गहनता से सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये मोटरसाइकिल जो है इसने सिविल अस्पताल जगाधरी से चोरी की थी, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज है। हमारा 383 नंबर मुकदमा दर्ज था। इसके अलावा जब इसको गिरफ्तार करके और इसको बारीकी से इसके साथ पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान पता चला कि इसने सिटी जगाधरी से एक और मोटरसाइकिल चोरी की थी और वो मोटरसाइकिल इसने अपना एक इसका दोस्त है निखिल सिली खुर्द का जो रहने वाला है उसको बेच रखी थी उसके घर पर थी। उसी संदर्भ में आज हमारी सीए 1 की टीम ने फिर रादौर एरिया में जाकर सिली खुर्द गाँव में निखिल के घर रेड की तो निखिल के पास से 4 मोटरसाइकिलें कुल मिली, जिसमें से पूछताछ के बाद पता चला कि गौरव और निखिल ने चोरी की हुई है। गौरव चोरी करता था अधिकतर और निखिल को दे देता था आगे बेचने के लिए, तो निखिल इनको बेचने की फिराक में था। तो कुल दोनों से हमने अभी 5 मोटरसाइकिलें चोरी के बरामद की हैं जो सिटी जगाधरी एरिया से यमुनानगर सिटी एरिया से चोरी की हुई हैं, उनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा जो पूछताछ में अभी तक और सामने आया है कि भी ये जो गौरव है इसने और भी मोटरसाइकिलें चोरी करके इसी के मार्फत निखिल के मार्फत बेची हुई हैं, उनका भी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। और इसके अलावा गौरव पर पहले भी वाहन चोरी के करीब 7-8 मुकदमे जिला यमुनानगर में दर्ज हैं और इसी तरह से निखिल पर भी वाहन चोरी का मुकदमा दर्ज है, पूछताछ इनसे बाकी की जा रही है। रिमांड पर लिया जाएगा जी, आज इनको माननीय न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा ताकि अन्य चोरियों के बारे में भी जो उनसे निशानदेही होती है और जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की जा सके। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।